नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की वीडियोज़ आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं बीवेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की एक और नई जो कैटेगरी है, जो कि है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, उसके एक और नई वल्नरेबिलिटी के बारे में, जिसका नाम है CORS यानी कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। उसके बारे में हम सीखेंगे कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है और कैसे होता है, कैसे वर्क करता है ये वल्नरेबिलिटी। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की डेफिनेशन क्या है वो जान लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे लिख के रखा है डेफिनेशन। यहाँ पे ये देखिए, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग यानी कि CORS वल्नरेबिलिटी, उसका डेफिनेशन ये है कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इज अ ब्राउजर मेकेनिज्म which enable controlled access to the resources located outside the given domain। तो दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके ब्राउजर के अंदर एक ऐसा मेकेनिज्म होता है जो कि आपने जो डोमेन दिया है, ठीक है, जो भी वेबसाइट का डोमेन नेम दिया है, उस वेबसाइट के डोमेन में जो भी जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सेस करने के लिए एक कंट्रोल्ड मैनर में अपने आपके ब्राउजर को एक्सेस करने का एक, मान लीजिए, एक्सेस करने के लिए एक परमिशन देता है, उसे कह सकते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। यानी कि जो रिसोर्सेज आपके ब्राउज़र को एक्सेस करने हैं, जो आपने डोमेन दिया हुआ है, उसे एक्सेस करने के लिए जो परमिशन देता है उसे कहते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। यानी कि जो भी अलग अलग डोमेन पे रिसोर्सेज पड़े हैं उनको शेयर करने का, उनको एक्सेस करने का जो आपके ब्राउज़र के अंदर मेकेनिज़्म है, एक कंट्रोल्ड मैनर में एक्सेस करने का जो मेकेनिज्म है, उसे कहते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको जैसे एक इमेज से समझाता हूँ कि ये एक्चुअली पूरा वर्क कैसे करता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग और कैसे वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वो उस इमेज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये इमेज ओपन करके रखी है। अब इस इमेज के अंदर आपको कुछ चीज़ें दिख रही होगी। देखिए, जैसे कि ये यहाँ पे आपका ब्राउज़र है, ठीक है, ये यहाँ पे जो एक्चुअल वेब सर्वर है जिसे आप एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं वो है, और यहाँ पे दो और ऑल्टरनेट सर्वर हैं जहाँ पे कुछ अलग अलग सर्विसेज चल रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लीजिए मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, आपका ब्राउज़र है वो इस example.com को पहले एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही example.com को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है आपका ब्राउज़र, तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में मिल रहा है HTML, JS, CSS, यानी कि आपको एक बेसिक सा वेब पेज मिल रहा है। अब वेब पेज तो आपको मिल गया आपके ब्राउज़र के ऊपर। अब मान लीजिए कुछ और सर्विसेज जो कि रन हो रही है, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर, उस सर्विसेज को, यानी कि उस सर्विस के जो भी रिसोर्सेज है उनको एक्सेस करने के लिए इस सर्वर को क्या करना पड़ेगा, दूसरे सर्वर पे जाके उसकी सर्विसेज को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कैप्चा की सर्विस यूज़ कर रहे हैं या फिर और कोई सर्विस जैसी यूज़ कर रहे हैं, तो उस पे जाने के लिए, उस सर्विस को एक्सेस करने के लिए, मान लीजिए गूगल का कैप्चा सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल के सर्वर पे इस ब्राउज़र को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ब्राउज़र ये जो दूसरा सर्वर है, ठीक है, एग्जाम्पल बी जो सर्वर है, ठीक है, ये जो क्रॉस ओरिजिन यानी कि इसका रिसोर्स अगर आपके ब्राउज़र को शेयर करना है, यूज़ करना है, तो क्या करेगा आपका ब्राउज़र ये XML HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा इस रिसोर्स बी सर्वर को, ठीक है, एग्जाम्पल बी सर्वर को, सॉरी। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो example.b जो सर्वर है या फिर जो भी वेबसाइट है या जो सर्विस है वो CORS ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग से अवेयर है और यहाँ पे उसे example.a में उसे अलाउ किया गया है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एग्जाम्पल बी है वो आपको सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कर देगा और आपके वेब पेज के ऊपर ये रिस्पॉन्स आ जाएगा और जो सर्विसेज हैं एग्जाम्पल बी के ऊपर रन हो रही है उस सारी सर्विस को आप एक्सेस कर पाओगे आपके ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए रेड कलर में चलते हैं और दूसरा सिनेरियो समझते हैं कि मान लीजिए आपके सर्वर को वही सेम सर्विस यूज करनी है एग्जाम्पल सी सर्वर से। ठीक है, अब एग्जाम्पल सी सर्वर पे आपके ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एग्जाम्पल सी सर्वर है वो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग से यानी कि कॉर्स से अवेयर नहीं है। यहाँ पे कॉर्स जो है वो अलाउड नहीं है, यानी कि आपका जो एग्जाम्पल ए सर्वर है वो उस एग्जाम्पल सी सर्वर को अलाउ नहीं कर रहा है आपके वेब ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी ये एग्जाम्पल सी सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स करेगा उसका रिस्पॉन्स आपके ब्राउजर तक आएगा ही नहीं और आप जो एग्जाम्पल सी सर्वर के ऊपर रिसोर्सेस रन हो रहे हैं, सर्विसेज रन हो रही है, उनको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये जो है कि जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल बी सर्वर की, यहाँ पे मान लीजिए हम ले रहे हैं एग्जाम्पल बी सर्वर, तो एग्जाम्पल बी सर्वर की सर्विसेज हम कैसे यूज कर पा रहे हैं और एग्जाम्पल सी सर्वर की सर्विसेज हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं वो कैसे डिसाइड होगा। तो वो डिसाइड करने के लिए यहाँ पे हमारे ब्राउजर में या फिर सर्वर के जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, सर्वर पे से जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है ब्राउजर पे, उस सर्वर के रिस्पॉन्स के अंदर दो हेडर्स लगाए हुए होते हैं, सिक्योरिटी हेडर्स होते हैं, जिनका नाम है, यहाँ पे देखिए मैं लिखा हुआ है, इनका नाम है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन और एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स। ये दो सर्वर रिस्पॉन्स हेडर्स होते हैं। तो इन रिस्पॉन्स हेडर की मदद से आप डिफाइन कर सकते हैं कौन से सर्वर से आपको रिसोर्स यानी कि कौन से सर्वर से आपको कौन सी सर्विस यूज करवानी है या नहीं करवानी है और कौन से सर्वर से कौन सी सर्विस यूज नहीं करवानी है। मान लीजिए आप यहाँ पे इस हेडर की वैल्यू स्टार रख देते हैं। ठीक है, तो स्टार का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सर्वर से कोई भी सर्विस कोई भी रिसोर्स जो है वो आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल ए के रिस्पॉन्स के अंदर आप एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन को स्टार करते हैं और एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल को स्टार करते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ए सर्वर जो है वो सारे दूसरे सर्वर से यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल बी से भी और एग्जाम्पल सी से भी जो भी रिसोर्सेज आपके ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करने हैं वो कर सकते हैं, ये चीज़ अलाउ कर देगा। तो ये चीज़ अलाउ करेगा यानी कि कोई भी मेलिशियस सर्वर होगा, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल सी सर्वर जो है वो मेलिशियस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेलिशियस सर्वर से भी आपके ब्राउजर के ऊपर अगर रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर सर्विस एग्जीक्यूट हो रही है तो आपका ब्राउजर वल्नरेबल हो जाएगा और आपके ब्राउजर के ऊपर अटैक हो सकता है और जो भी अटैकर है वो बहुत सारी चीज़ें आपके ब्राउजर से चुरा सकता है जैसे कि कुकी वगैरह समथिंग। ठीक है, और मान लीजिए एग्जाम्पल ए के रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ आता है एग्जाम्पल b.com, इतना ही अलाउ करते हैं। ठीक है, ये एक ही डोमेन अलाउ करते हैं, दूसरा जो सी वाला है उसे अलाउ नहीं करते हैं और यहाँ पे भी एग्जाम्पल b.com को ही अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एग्जाम्पल b से जो रिसोर्सेज एग्जीक्यूट करने हैं या फिर रिसोर्सेज यूज करने हैं उतने ही रिसोर्सेज आपके ब्राउजर के ऊपर यूज होंगे। मान लीजिए इतने ही एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल बी से जितने रिसोर्सेज यूज करने हैं उतने ही रिसोर्सेज आपके ब्राउजर पे रन होंगे, उतनी ही सर्विसेज आपके ब्राउजर पे रन होगी, बाकी की सर्विस आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, बाकी की सर्विस को आप या फिर बाकी के रिसोर्सेज को आप एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरीके से आपका सर्वर यानी कि मान लीजिए आपका जो भी मेन डोमेन सर्वर है वो दूसरे किसी सर्वर के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सेस करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। ये पर्टिकुलरली डिपेंड होता है जो भी मेन डोमेन का सर्वर जो है उस सर्वर का एडमिन जो है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसे कौन से दूसरे सर्वर से रिस्पॉन्स लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, मान लीजिए उसे एग्जाम्पल बी से ही रिस्पॉन्स लेना है तो वह यहाँ पे इस एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन को एग्जाम्पल बी से ही सेट करेगा, बाकी के जो सर्वर्स हैं या फिर बाकी के जो सर्वर्स हैं वहाँ से वो किसी भी रिसोर्स को एक्सेस नहीं करने देगा अपने मेन डोमेन के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन वर्क करता है। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए इस वल्नेबिलिटी को फाइंड करना है, कहीं पे आप रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको इस वल्नेबिलिटी को फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है कि एज अ अटैकर आपको उस वेबसाइट की जो भी रिक्वेस्ट है उन्हें कैप्चर करनी है और वहाँ पे एक हेडर ऐड करना है, रिक्वेस्ट हेडर जिसका नाम है ओरिजिन। ओरिजिन नाम का आपको रिक्वेस्ट हेडर रिक्वेस्ट के अंदर ऐड करना है जो कि होस्ट के नीचे रहेगा और वहाँ पे उस हेडर के अंदर कोई भी XYZ आपका जो सर्वर है avil.com मान लीजिए आपका, आपने कुछ सर्वर बना के रखा है या फिर ऐसे ही कोई भी डोमेन डाल दीजिए और ऐसे तरीके से एक हेडर आपको किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर ऐड करना है और उस रिक्वेस्ट को आपको सर्वर के ऊपर सेंड करना है जो भी लेजिटिमेट सर्वर है। यानी कि मान लीजिए आप xyz.com के ऊपर बग बाउंटी कर रहे हैं, ठीक है, xyz.com के ऊपर बग बाउंटी कर रहे हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट जब आप भेजोगे तो आपके होस्ट के अंदर xyz.com रहेगा, इसके नीचे आप एक ओरिजिन नाम का हेडर ऐड करेंगे, वहाँ पे होगा avil.com और इस रिक्वेस्ट को अगर आप भेजते हैं, ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स के अंदर यानी कि xyz.com के सर्वर के रिस्पॉन्स के अंदर आपको एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन मिलता है या फिर एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स, ये दोनों हेडर्स आपको रिस्पॉन्स हेडर में मिल रहे हैं और वहाँ पे उसका वैल्यू मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर डोमेन की जगह अगर यहाँ पे स्टार मिल रहा है आपको, ठीक है, मान लीजिए कोई डोमेन नहीं दिया हुआ है उसकी जगह आपको यहाँ पे स्टार यानी कि कोई भी डोमेन से आप कोई भी रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर ऐसे आपको अलाउ किया गया है तो ये एक वल्नरेबिलिटी है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग करके, ठीक है। इस तरीके से आप क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। मान लीजिए आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर बग बाउंटी कर रहे हैं, वहाँ पे आपने रिक्वेस्ट के अंदर ओरिजिन नाम का हेडर डाला और रिक्वेस्ट को भेजा सर्वर के ऊपर, सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है जिसमें कि आपको ये दोनों जो हेडर्स हैं वो इस तरीके से मिल रहे हैं, सेम टू सेम यही कंडीशन में आपको मिल रहे हैं। तो यानी कि वो जो सर्वर है वो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है क्योंकि वो आपको कोई भी दूसरे जो सर्वर्स है यानी कि कोई भी दूसरे सर्वर के ऊपर रिसोर्सेस है उन्हें एक्सेस करने की परमिशन देता है। वो ये भी नहीं चेक करता है कि वो लेजिटिमेट सर्वर से या रिसोर्स यूज़ कर रहा है या फिर कोई मैलिशियस सर्वर से रिसोर्स यूज़ कर रहा है, ये कुछ भी चेक नहीं कर रहा है और वो आपको सिंपली एक्सेस करने के लिए दे रहा है। इसलिए वो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग से जो सर्वर है वो वल्नरेबल है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें बीवेब के अंदर एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कि हमें यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग वल्नरेबिलिटी एजेक्स के अंदर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पेज ओपन करके रखा है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का। यहाँ पे हमें दिया गया है कि ट्राई टू स्टील नियो सीक्रेट यूजिंग एजेक्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द मेलिशियस साइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को, इस पेज की यानी कि इस पेज की रिक्वेस्ट को आपको बर्प सूट के अंदर कैप्चर करना है और वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट के अंदर आपको जाके ये ओरिजिन नाम का जो रिक्वेस्ट हेडर है उसे ऐड करना है। वहाँ पे ओरिजिन में कोई भी आप जो डोमेन है वो डाल सकते हैं और अगर डोमेन डालते ही आपको यहाँ पे जो नियो है, नियो का अगर आपको सीक्रेट मिल रहा है तो आपको, या फिर आप मान लीजिए आपको ये दोनों रिस्पॉन्स हेडर्स मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है ये सर्वर। तो आपको ये एक्सरसाइज अपने खुद से कंप्लीट करनी है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग बीवेब के अंदर। आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्रैक करने के लिए। अगर आपसे हो रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे ये किया, और अगर आपसे नहीं होता है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये हमें नहीं, ये हमसे नहीं हो रहा है, आप हमें प्लीज़ इसे एक्सप्लॉइट करके दिखाइए। तो मैं आने वाले वीडियोस में इसे आपको एक्सप्लॉइट करके भी दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस जो एक्सरसाइज है इसे परफॉर्म कीजिए और खुद से सीखिए कि कैसे क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड होती है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि मैंने ये जो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा और आप इस जो एक्सरसाइज है उसे भी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आई होप कि आप इसे ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और नई वल्नरेबिलिटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मैंने सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की आज जो भी वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सिखाई है वो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इसे सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस चैनल से रिलेटेड या फिर हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।